It will be tweak, right? सारे वीडियोस बनाया मैंने, मतलब अपने लाइफ के रिगार्डिंग क्या हुआ एक्सीडेंट के बाद, मतलब एक्सीडेंट की एक्चुअल स्टोरी अभी तक बनाया नहीं हूँ मैंने, रिवील नहीं किया है कि क्या हुआ था उस दिन क्या नहीं हुआ था, बट डेफिनेटली वो उसके लिए मैं अभी तक काम कर रहा हूँ यार, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को, बिकॉज मैं भी एडिटिंग में लगा हुआ हूँ, उसकी वजह से मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता वो स्टोरी प्रॉपरली सेट करके आपको बताऊँ। जैसे 10,000 सब्सक्राइबर होते हैं ना, मैं वो स्टोरी आपको रिवील कर दूंगा इस बार पक्का। मैंने सोचा कि यार ये भी स्टोरी है तो स्टोरी ये भी शेयर करनी बनती है। जब से मेरी फ्लाइट छूटी है मुंबई से, वहां से आई थिंक 30 डेज का व्लॉग मैंने खुद को चैलेंज रखा था, 30 डेज का व्लॉग, यस ये भी एक स्टोरी थी, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं आप लोग से। हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज अनीस कदम एंड यू वाचिंग एम व्लॉग्स। सो फाइनली आज वो दिन आ चुका है, मैं जा रहा हूँ वैक्सीनेशन के लिए, तो मतलब फर्स्ट डोज जो है आज होगा। मेरे को अपॉइंटमेंट मिला था 31st का, मतलब 5:30 बजे का, बट कुछ लोग मुझे बोल रहे कि यार सुबह में भी जा सकता था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्रोबेबली बज चुके 3:30 और 4 के बीच में मेरे को निकलने का यहाँ से, तब जाके मैं मॉल ऑफ एमिरेट्स 5 बजे पहुंचूंगा, और 5 बजे से फिर पता नहीं कितनी बड़ी लाइन होगी अंदर, कितना क्या होगा, आई रियली डोंट नो अबाउट इट, बट जाके वहां पे चेक करते हैं। आई थिंक बहुत लेट हो रहा है तो फटाफट निकलते हैं अपन। एंड बाय द वे, और एक चीज बोलना भूल गया मैं, कि आज का वीडियो सारा जो पूरा मतलब पूरा व्लॉग जो है ये इस फोन से शूट होगा, S9 Plus से, बिकॉज वहां पे शूटिंग अलाव है कि नहीं है आई डोंट नो। सो आज का व्लॉग जो है वो इस फोन से शूट किया जाएगा, एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दे इसका क्वालिटी कैसा है। आई रियली लव्ड इट, मतलब सुबह के टाइम पे जो इसका क्वालिटी है, शाम में भी मतलब रात में भी अच्छा आता है, और सुबह की क्वालिटी जो है ना इट्स आउटस्टैंडिंग। अभी थोड़ा सा गेन आ रहा होगा क्योंकि शाम का टाइम हो गया, तो यहाँ पे रूम में लाइट भी नहीं है प्रॉपरली, तो इसकी वजह से थोड़ा सा गेन आ रहा होगा, बट दैट्स मैनेजेबल। Change the location because I stay in Bardhoma. I don't want to go to the station. First dose of corona vaccine. The vaccine is Pfizer. Okay. It will be quick, right? Yes. It will be quick, right? Yes. Okay. थैंक यू सो मच। फाइनली आई हैव कंप्लीटेड फर्स्ट डोज, और कब लिया कब हुआ कब पता नहीं चला, एंड मेरा गुड लक ये था कि जल्दी से जल्दी मतलब डायरेक्टली हो गया, इतना ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि सुबह 7:30-8 बजे लोग आ जाते हैं और वैक्सीनेशन के लिए वेट करते रहते हैं, बट मेरा 5 मिनट में हो जाएगा ऐसा मैंने सोचा नहीं था, तो हो गया 5 मिनट के अंदर। और ये मैं अभी ऑब्जर्वेशन रूम में हूँ, तो इस लेफ्ट हैंड में लिया, राइट हैंड में रॉड्स है, तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था देने के लिए राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड में ले लिया। फर्स्ट डोज मेरा कंप्लीट हो गया, 21 डेज के बाद मेरा सेकेंड डोज होगा। फर्स्ट डोज के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखा हुआ है आपने, एंड मैं सोचा कि वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, इट आई वॉज कन्फ्यूज टोटली। इसके बाद मैं एक्चुअली वेट कर रहा था वेटिंग रूम में, वहाँ पे भी वीडियो बनाने का सोच रहा था कि बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। आप लोगों को पता होगा मेरे मतलब पिछले वीडियोज़ में, मैंने कुछ वीडियोज़ में बताया है कि वीडियो शूटिंग करना अलाउ नहीं है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा डर रहा था। एक्चुअली ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि दिस इज़ पार्ट ऑफ द स्टोरी, वो क्यों मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। एक्चुअली टैक्सी ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि पीछे मेरे अब देख सकते हो वर्षा वैक्सीनेशन सेंटर है, तो यहाँ से वैक्सीन ले लिया मैंने, अभी मैं टैक्सी ढूंढ रहा हूँ। इस यहाँ से गर्मी में तो चल के नहीं जा सकता। ऑब्जर्वेशन के लिए 10-15 मिनट रखा गया था मेरे को, और फिर वहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ बर्दोबाई,
लेकिन मैं पूछा उन लोग से कि नजदीक कहीं पे लोकेशन है क्या जहाँ पे मैं वैक्सीनेशन ले सकता हूँ, बोले कि नहीं आपको यहीं पे आना पड़ेगा अलवर्षा में वापिस से। तो यही प्रॉब्लम होती है चश्मा वालों के साथ, अगर बाहर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है ना तो चश्मा लगाने के बाद दिखता नहीं है कुछ। अरे भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हेलो, तो ये जो सामने दिख रहा है आपको ये मॉल ऑफ एमिरेट्स है, अंदर से काफ़ी बड़ा है और आगे कुछ टाइम मिलता है तो डेफिनेटली बनाऊँगा एक वीडियो होगा। यहाँ पे और एक चीज़ मस्त है, मतलब यहाँ पे अगर आपके पास कैश नहीं है, कैश मतलब चेंज नहीं है आपके पास, तो नॉल कार्ड है, नॉल कार्ड दिया है, मतलब जो मेट्रो से हम लोग ट्रैवल करते हैं या फिर बस से ट्रैवल करते हैं जहाँ पे भी ट्रैवल करना है मोस्टली तो RTA के, तो नॉल कार्ड से भी हम लोग पे कर सकते हैं टैक्सी वाले को। तो कितना सिंपल है ना ट्रैवलिंग करना, बहुत सिंपल है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे अवेलेबल नहीं है, कुछ एमिरेट्स में जैसे शारजा है, शारजा में मेट्रो स्टेशन अभी तक बना नहीं है, लेकिन दुबई में है, तो दुबई में काफ़ी अच्छा है ट्रैवलिंग के लिए। तो अभी फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ गुबेबा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। मैंने क्यों कहा था आपको, मैं अभी आपको बता देता हूँ। जब मैं हॉस्पिटल गया था लास्ट टाइम, मतलब लास्ट विजिट किया था, उस टाइम पे सीटी स्कैन के लिए मैं गया था और स्टोरी डाला था उस टाइम पे। मैं सीटी स्कैन होने के बाद मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ये जो बोन है रिस्ट बोन ये साइड की, तो ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा फ्रैक्चर है अभी तक, वो जो पहले हुआ था हल्का सा फ्रैक्चर, बट दैट वोंट इफेक्ट मी। जिम भी करो मुश्किल नहीं है, उसके लिए कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक तुम्हारा ये मोमेंट नहीं मिलता ना, ये अभी तक इतना मोमेंट मिल रहा है। सो एज यू कैन सी ये जो मोमेंट है, ये अगर मैं ये राइट हैंड ऊपर करूंगा तो ये इतना ही लॉक हो जाता है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाता ये। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एक बोन जो बोन्स वगैरह कुछ है उन लोग की लैंग्वेज में, डॉक्टर की लैंग्वेज में, वो बोन्स का कुछ चेकअप करेंगे, उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आना पड़ेगा दो दिन के बाद, या 21 या 22 के आसपास वो अपॉइंटमेंट था मेरा। पर सीन ऐसा होता है कि वो लोग मुझे बोलते हैं मैसेज करके, इट इज़ बीन कैंसल्ड बिकॉज आपने वो पहला डोज नहीं लिया है वैक्सीन का, इसलिए आपको पहले वैक्सीन लेके आनी पड़ेगी, उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। सो दिस वॉज द रीजन वाई आई वेंट फॉर द वैक्सीनेशन फर्स्ट, एंड देन उसके बाद मेरे को अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। आई थिंक आज नहीं कल उसको बुक करना पड़ेगा। मैसेज आएगा कि 21 डेज के बाद आपको सेकेंड डोज मिलेगा, उसके बाद आपका जो है डॉक्टर के अपॉइंटमेंट है वो आप फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए मैं वेट कर रहा था। और हाँ सॉरी, मैं और एक चीज बोलना भूल गया था कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं गिव अवे करने वाला हूँ कुछ, तो गिव अवे के लिए पार्टिसिपेट करना है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दो। वैसे यूट्यूब पे भी आ जाएगी वीडियो, बट इंस्टाग्राम पे आपको ज्यादा पता चल जाएगा कि कब मैं रखने वाला हूँ कब नहीं रखने वाला हूँ। एंड आई होप ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप यू हैव एंजॉयड। इफ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब को जो करना है कर सकते हो। मिलते हैं अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रन, मा सलामा हबीबी।